Hello everyone. So we are going to discuss question from type 2 series. तो ये question from type 2 है. देखते हैं इसको कैसे करना है. सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जैसा पिछले question में करना था, सबसे पहले हमें AP identify करनी है. तो AP क्या है यहाँ पे, 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Now nth term of AP हमें लिखना है. nth term of AP क्या है, 2n-1. उसके बाद हमें सीरीज का nth टर्म लिखना है. तो सीरीज का nth टर्म क्या होगा, 1 अपॉन 2n-1, 2n+1 एंड 2n+3. अब हमें यहां पे दोनों कंडीशंस को चेक करना है. पहली कंडीशन, nth टर्म ऑफ सीरीज शुड स्टार्ट विद nth टर्म ऑफ एपी, 2n-1, 2n-1, टिक. सेकेंड कंडीशन, सीरीज के जो भी टर्म होंगे वो इक्वी स्पेस्ड टर्म्स ऑफ एपी होंगे. यहां पे तो सारे के सारे कंजिकेटिव हैं, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी करेक्ट हो गई. अब अगर दोनों कंडीशन हो गई हैं तो हमें अपने क्वेश्चंस को उस मेथड से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या करना है, 1 अपॉन एवरीथिंग एक्सेप्ट लास्ट पार्ट. तो इस 2n+3 को छोड़ के सब कुछ लिख लेना है. तो 2n-1, 2n+1 माइनस एवरीथिंग एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट. तो 1 अपॉन 2n+1 एंड 2n+3. इसके बाद हमने कहा था डिवाइड दिस थिंग बाय 1 अपॉन, सो वील डिवाइड इट बाय लास्ट पार्ट माइनस फर्स्ट पार्ट. तो 2n और 2n कैंसिल हो गए, 3+1 4 हो गया. तो हमारे पास फाइनली टी एन क्या हो गया, टी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 2n-1, 2n+1 माइनस 1 अपॉन 2n+1, 2n+3. अब हमें इसको एक्सपैंड करते चले जाना है, एन की वैल्यूज रखते चले जाना है और देखना है कहां पे पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है. तो अगर हम करें तो 1 अपॉन 4 पहले क्या आएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट डॉट. तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है और ये मेरा थर्ड टर्म है. नाउ इफ यू सी, पहले टर्म का सेकेंड पार्ट कैंसिल हो रहा है सेकेंड टर्म के फर्स्ट पार्ट से, और सेकेंड टर्म का सेकेंड पार्ट कैंसिल हो रहा है थर्ड टर्म के फर्स्ट पार्ट से. इसका मतलब सेकेंड टर्म पे हमारा पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया. सो दिस पॉइंट डिसाइड्स कि नाउ आई एम कंफर्टेबल इन राइटिंग एस एन. तो अब मैं एस एन लिख सकता हूं. एस एन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 1 इंटू 3. ये फर्स्ट टर्म है तो इसका इक्विडिस्टेंट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म का इक्विडिस्टेंट टर्म होता है nth टर्म. nth टर्म का हमने यहां पे लिख रखा है, दिस इज माय nth टर्म. उसके बाद अगर फर्स्ट टर्म का सेकेंड पार्ट कैंसिल हुआ है तो nth टर्म का सेकेंड पार्ट हमको रिटेन करना है. तो 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2n+1 इंटू 2n+3. ये हो गया मेरा sn. निकालना कहां तक है, हमें हमें निकालना है 1 अपॉन 95 इंटू 97 इंटू 99. तो अगर ये लास्ट है इसको हम स्प्लिट करें तो कुछ ऐसे होगा, 1 अपॉन 95 इंटू 97 माइनस 1 अपॉन 97 इंटू 99. इसका मतलब nth टर्म का ये वाला पार्ट हमें रिटेन करना था. तो हम इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 ब्रैकेट में 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 97 इंटू 99. Now you solve this thing and put your answers in the comment section and we will check your answers. If you have any doubt, अगर इस question में कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई issue है, सबसे पहले तो अगर आपने type 2 का concept video नहीं देखा है, please go and watch the concept video, तो आपको ये सारी चीजें clearly समझ में आ जाएंगी. And after that, go through this video. Still, if you have any doubt, you can ask us in the comment section. You can also join our Facebook and WhatsApp groups.
टू नो मोर अबाउट क्वेश्चंस एंड डाउट सॉल्विंग एंड ऑल दोज थिंग्स. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच.